नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अडा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिन्होंने अब तक बेल आइकन को प्रेस ना किया हो, ताकि मेरी जो रात्रि 10 बजे आप सभी के लिए धुआंधार क्लास होती है उस क्लास से आप वंचित ना हो। रेगुलर बेसिस पर इस क्लास को करें, क्योंकि आप लोग को पता है कि इस वक्त बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं और ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप देखो, दिन भर आप कुछ भी कर, ठीक है, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन रात 10 बजे तक आप फ्री हो चुके होते हैं, हर तरीके के काम से आप फ्री हो चुके होते हो, फिर आप इस क्लास से जुड़ना सीखे, आप लोग को डेफिनेटली अपने अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। हाँ बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा अनुराधा, किट्टू, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया 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 है, बिल्कुल हम सभी लोग मस्त हैं। बिल्कुल आप लोग कैसे हैं ये जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त आपको ऐसा नहीं कि घर में कोई काम करना है, घर में कोई काम नहीं करना है, अब तक आप फ्री हो चुके हो तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो खाना पीना भी खा चुके होते हैं आराम से। जब खाना पीना खा चुके हो तो सारी तैयारी हो चुकी होती है, पढ़ाई करो ना। हाँ ठीक है, तो चलिए फिर सारे के सारे दोस्त जो है जुड़ जाइए। और देखो बेटा, आप सभी लोग जो है हर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, जहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए शुरू किया जाए आज के सेशन को। हाँ, तो आप सभी लोग को सरस्वती माता का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। जो लोग कल नहीं जुड़े थे उन सभी लोग को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 में आप अपने सपने को पूरा करने के पीछे काम करिए, जिससे आप लोग अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बेटा, अब आप लोग को पता है कि आप लोग का 20 फरवरी से यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल कह रहा हूँ, जीडी का आप लोग का एग्जाम होना है। तो आप लोग को अब सबसे ज्यादा जरूरत है टेस्ट सीरीज लगाने की, और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप लोग को टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। 5461S कोड लगा करके आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए बेटा, मात्र 140 रुपए की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मात्र 140 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 300 से 80 से ज्यादा टेस्ट है, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 5461 कोड लगा करके आप जो है मेधावी बैच से, देन अगर आप DSSSB के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इसका फॉर्म 9 जनवरी से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसलिए मैंने डिटेल नोटिफिकेशन आज किया, आप लोग उसे देख लीजिएगा। 5461 कोड लगा करके आप इस और अपनी तैयारी करना शुरू कर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेटा अभी महापैक पे डबल वैलिडिटी है, अभी महापैक पर डबल वैलिडिटी है बेटा, बस बैच पे नहीं है। चलिए बातें होती रहेंगी, बातचीत तो होती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, यस। बताइए, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है मैंने, गॉडमास का नियम है, इसको सॉल्व करो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। गॉडमास का नियम है, इसको सॉल्व करिए, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी।
दिख रहा है बेटा? यस, टू 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 सी। चलो देख लेते हैं, यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से। अगर तो ए का मतलब प्लस होता है, ए का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस होता है। बी का मतलब क्रॉस होता है, बी का मतलब क्रॉस होता है। हाँ, ए का मतलब प्लस होता है, ठीक है, बी का मतलब क्रॉस हो गया, सी का मतलब माइनस होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, डी का मतलब डिवाइड। सॉल्व करो तो बॉडमास का जो नियम है वो ये कहता है बेटा कि पहले ब्रैकेट को हल करो, ब्रैकेट में छोटा, मझला, बड़ा, ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये देखो 8 चौके 32 और 3 35 हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 पंजे, यहाँ से 5 आ रहा है, ठीक है, बराबर 33/11 और प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 - 3 = 2 आ जाएगा, तो आप लोग का आंसर सी आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पीड में चलने को तैयार हैं आप लोग? जल्दी से बता दो कि हाँ सर, हम स्पीडली चीजों को करने के लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हैं, तो मैं बहुत स्पीड में क्वेश्चंस को कराना शुरू करूं और आप फटाफट आंसर शुरू कर दो। हाँ बेटा पल्लवी, बिल्कुल सही है। हाँ शिवजीत बेटा खुश रहो, नीलाक्षी खुश रहिए बेटा, हाँ औरा मौर्या खुश रहिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ अब इसको देखो, इसको पलटो, इसको पलटो, ऐसे एफ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये काट, ये काट। अब देखो के की बात करें, के को देखो यहाँ पर, के को ऐसे उलट दो, ऐसे, ये वाला ठीक नहीं है, दोनों गलत है। आप लोग का आंसर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट है, आपका आंसर डी वाला आ जाएगा, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का, इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो बन गया है आप लोग का डी वाला, और आप लोगों ने परफेक्ट आंसर कर दिया है डी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को मैं देने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर है, जल्दी जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए, आ जाओ यहाँ। अब ये है देखो आपका क्वेश्चन, ये है आप लोग का क्वेश्चन, ये है आप लोग का क्वेश्चन, दिस वन, ऐसा। अब ये क्वेश्चन फिगर किसमें है? तो मुझे तो देखो इसमें फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ही आ रहा है, पूरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ एक प्लस है, वो प्लस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, वो प्लस जो है वो थोड़ा सा क्या कर रहा है मेरे चीतों, गड़बड़ कर रहा है। देखो यहाँ ये तो है, ये बन गया ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इतना ही है कि प्लस वाली लाइन यहाँ पर मिसिंग है, और वो प्लस वाली लाइन देखो इस वाले में है, बी वाले में, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पर तो है, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप लोग का आंसर बी आ रहा है, आप लोग का आंसर बी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, नंबर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, नंबर सीरीज का, जल्दी से निकालिए और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी जल्दी निकाल करके बताएंगे इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा। 53 है खाली है और 108 है, 53 है खाली है और 108 है, जल्दी से निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों। और सभी लोग आते आते क्लास में अपनी अटेंडेंस लगाते जाइए, प्रेजेंट अपनी लगाते जाइए, जल्दी जल्दी, यस बताइए। यस जल्दी से देखिए, तो देखो 3 से 8 मतलब 5, 8 10, यहाँ देखो 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, और 2 में से गया 1 15, यहाँ देखो 20, तो 5 10 15 20, अब यहाँ पर कितना जोड़ देंगे मेरे दोस्तों? 25, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 और 2 7 हो जाएगा, 78, और उसके बाद यहां पर 30 जोड़ देंगे, तो आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन रहा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड लेटर सीरीज, रिपीटेड लेटर सीरीज, आपको लेटर को रिपीट करते हुए यहां पर सीरीज बनानी है, जल्दी से निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, फटाफट सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे मित्र निकालिए और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी जल्दी। बहुत सही, सारे के सारे दोस्त सेशन को शेयर करते रहिए या जुड़ते रहिए यहाँ पर, जो लोग अभी तक ना जुड़ पाए, जल्दी जल्दी बताइए सारे के सारे लोग।
बहुत सही, क्या क्या बात है, तो बी आंसर आ रहा है पक्का, सोच लीजिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आ जाओ देखो पेयरिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल कितने हो गए मेरे दोस्तों 20। 20 का मतलब या चार चार के पांच या पांच पांच के चार, ऐसा बनाएंगे या तो पांच पांच के चार या तो चार चार के पांच पेयर। तो पहले हम लोग हमेशा बड़े पेयर को बनाते हैं, पांच पांच लेटर के चार पेयर बना दो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 यहीं तक है बेटा, एन नहीं है क्यू तक है। उसके बाद देखो फिर से तो 1 2 3 4 5 ये रहा, एम से शुरू क्यू पे खत्म, ये देखो M से शुरू क्यू पे खत्म, तो एम एन एम एन ओ एम एन ओ एम एन ओ एम एन ओ बन गया। उसके बाद देखो लास्ट में क्यू क्यू क्यू, तो यहाँ भी क्यू, क्यू के पहले क्या आ रहा है पी, क्यू के पहले पी, तो यहाँ भी पी और यहाँ भी पी। तो ये देखो आपका जो बन गया एम एन ओ पी क्यू, ये सीरीज है पांच बार ऐसी बनेगी, ठीक है 1 2 3 4 बार बनेगी ऐसी एम एन ओ पी क्यू की सीरीज। तो यहां देखो ओपीएनपी ओपीएनपी यहां नहीं है, ओपीएनपी यहां है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, आपका आंसर बी चुपचाप बन रहा है। क्लियर है सब लोग का आंसर बी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग का पेपर कटिंग का है, निकालिए और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा। सारे के सारे मित्र, सारे के सारे दोस्त निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहां आ जाइए, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये पेज को ऐसे मोड़ा, ये पेज को ऐसे मोड़ा, तो बीच में एक स्ट्रिप आई, इसको नीचे से ऊपर और मोड़ दिया और ये काटा, इसको काटने का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल यहां बनेगा और एक यहां पर ऐसे ऐसे। अब देख लो ये किस वाले में दिखाई दे रहा है, अब ये ऐसा किस वाले में दिखाई दे रहा है ये देख लो। अब उसके बाद ये इधर भी आएगा, ये इधर भी आएगा, ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल तीन ठो और ऐसा ट्रायंगल तीन, देख लो। अब इस वाले में तो देखो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, चुपचाप आपका आंसर डी वाला बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्पीडली चीजों को करते रहो, मैं ताबड़तोड़ कराने को तैयार हूं। आठवें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं बेटा, देख लो ऐसे ही आप स्पीड में करते रहो, हम लोग सारे 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए जल्दी ही करते रहेंगे। आज से बेटा मैंने आप लोग के लिए 50 दिन 50 पेपर का लक्ष्य शुरू किया है और रेगुलर एक पेपर हम करेंगे, ठीक है ना, रेगुलर। और एक चीज बता दूं, कुछ दिन बाद हम जीडी के पेपर से यहाँ पर शुरू कर देंगे, फिर कांस्टेबल के भी पेपर करेंगे और ताबड़तोड़ सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। और जीडी के जब ये खत्म हो जाएगा, जीडी के एक दिन में दो पेपर करेंगे हम, जिससे 40 क्वेश्चन किया करेंगे और इस क्लास के ड्यूरेशन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला गोला और ये एरो यहाँ है, यहाँ है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन काट, इसमें इसमें सेम देखो, जब सब कुछ सेम है तो मत करो एम एम, ये भी सही है। अब बस एम के बाद ये लास्ट वाला जो है, जो ये है, ये ऐसे बनेगा ना, ऐसा मतलब आर वाला जो है वो अंदर की तरफ आएगा ऐसा, तो सी आंसर ठीक लग रहा है, सी वाला ठीक लग रहा है, क्योंकि बी वाला बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, इसलिए ये वाला गलत। जल्दी से निकाल करके बताइए किनारा, जल्दी जल्दी बताइए सारे दोस्त, जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी जल्दी। यहां पर देखो आपसे बोला है हाँ, ब्रिम और एज, एज भी किनारा होता है, ब्रिम भी किनारा होता है, तो काइंड मतलब प्रकार होता है, हाँ काइंड मतलब प्रकार, टाइप हो गया आपका, तो क्रूरल निर्दयी, इल्यूजन माया हो गया, आर्टिफिशियल ये भी सही हो गया, गलत है, ये सारे गलत हो गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परोपकारी, यानी जो दयालु होगा वही परोपकारी होगा, हाँ दयालु और परोपकारी ये दोनों एक तरीके से सिमिलर हो गए आप लोग के, क्लियर है। समानार्थी शब्द हैं, क्या है बेटा, समानार्थी शब्द हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बॉडमास का नियम, और आपको इसके लिए मैंने हिंट कर रखी है, सबसे पहले डिवाइड फोकस किया करो कि डिवाइड को किस जगह हम फाइनल करें कि हमारा आंसर बन जाए, डिवाइड को हम किस जगह फाइनल करें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए, डिवाइड को हम किस जगह फाइनल करें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए मेरे शेरों, जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए, और अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है बेटा क्लास को, अभी भी आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, अभी भी आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है,
भैया क्लास को सब लोग लाइक कर दो जल्दी से, जितने भी लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी सारे के सारे दोस्त मिलकर के क्लास को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी आ जाइए। जल्दी जल्दी सारे के सारे दोस्त आ जाइए, सभी दोस्त। चलो आ जाओ यहां पर देखते हैं कौन सा आ रहा है मेरे दोस्तों। 5 हो जाएगा ए से। चलो आपने कहा डिवाइड, देखो डिवाइड यहां था, यहां था, यहां था और यहां। चलिए ये डिवाइड देखो, ये वाला हल हो जाएगा। ठीक है यहाँ आ जाओ, ये वाला भी ठीक लग रहा है भैया, मजा दे रहा है, ये भी हो जाएगा हल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें लाना क्या है, ये देखो, ये देखो, ये तो पता हो गया 2/5 नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन तो सरासर आपने काट लिया सीधा सीधा कि ये वाला नहीं बनेगा। चलो ए कह रहे हो, ए को देखते हैं। 15/3 + 24 - 12 × 2, तो 3 × 5 = 15, 5 + 24 - 24, 24 24 काट दो 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे शेरों, आप लोगों ने आंसर ए बोला है और ए आंसर परफेक्ट आप लोग कर रहे हैं। चलिए आहा, ये आया वो क्वेश्चन जो आप लोग को हमेशा फंसा देता है, ये आया वो क्वेश्चन जो आप लोग को हमेशा फंसा के रखता है, हमेशा फंसा देता है। निकालिए तो सब लोग मिलकर के सेशन को एक बार दबा के लाइक करो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया भैया। हाँ सारे लोग की अटेंडेंस मुझे यहां पर लगी हुई चाहिए। चलो ओके, चलो देखते हैं यहां पर। अब यहां पर देखो 5 × 20 + 3, 3 × 2 = 6 + 3, दिख रहा है, पहले और आखिरी को गुणा कर दो। देखो 2 × 3, 2 × 3 = 6 और + 3 कर दो, देखो आ जाएगा 9। 5 × 4, 5 × 20 और + 3 कर देंगे, देखो 23 आ रहा है। 12 × 4 = 48 वही बना। 10 × 3 + 3 = 33 हो जाएगा, तो देखो 10 × 3, 10 × 3 = 30 और + 3 = 33 आ जाएगा। आपका आंसर ये बन जाएगा, 11 × 44 नहीं बनेगा, 13 × 39 नहीं बनेगा। तो आप लोगों में से मेरे शेरों जिन जिन लोगों ने आंसर नंबर बी बोला है वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डाइस का आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी जल्दी लूडो खेलो, जल्दी जल्दी पासा चलो शकुनी मामा की तरह। बताओ आपसे पूछा गया है 6 वाले बिंदु के, यानी 6 के अपोजिट कौन सा नंबर बनेगा, आप सभी लोगों को निकाल करके जल्दी से बता देना है मेरे दोस्तों। हाँ हैप्पी न्यू ईयर बेटा सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का यह 2024 जो वर्ष है वो सिलेक्शन वाला ईयर हो, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। ठीक है बताइए। थ्री 3 3 3 3 3 आपने बताया सर 6 बिंदुओं के अपोजिट, तो 6 बिंदु यहां है, इन दोनों में कॉमन है 1 और 2, 1 और 2, तो 6 का अपोजिट 3 डॉट आ जाएगा। आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। चलिए पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यहां पर देखो, देखो ध्यान से, इस पेज को इधर से इधर मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे मोड़ा, अब इसको ओपन करो तो 2 ये और 2 ये 4 हो जाएंगे टोटल। देखो यहां पर ठीक है 4 दिख रहा है, इसमें ये गड़बड़ है क्योंकि
क्योंकि इसमें चार सही से नहीं बना है, यहाँ भी चार ठीक है। अब उसके बाद ये स्टार इसके साथ बनेगा, पहले स्टार और ऊपर सर्किल ऐसा होगा, इसमें नहीं बना है तो ये भी काट दो, यानी दो और तीन तो कट गया। अब इन दोनों में इसको ही होगा, यहाँ गोले बराबर नहीं बने इसलिए भी काट दो। तो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बन के आ जाएगा। बताओ क्लियर है सभी को? देख लो बेटा, हम लोग 12वें 13वें क्वेश्चन पे इस स्पीड से चल के पहुंच चुके हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालो जल्दी जल्दी निकाल करके बताओ बेटा। हाँ फटाफट निकालिए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, फटाफट निकाल करके बताइए मेरे दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी 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 से सारे के सारे दोस्त निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा, जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ। बोला है आपका 45 को अगर हम 405 से रिलेट कर दें, 9 36 बताइए। राम राजा राम चंदेल ने सबसे पहले 1440 बोला है, ओके 1440 बोले तो डी आंसर, ओके एक आंसर आ रहा है 1445, ठीक है 1270 भी आंसर आ रहा है। अब देख लो आप ही लोग के बीच से ये तरह तरह के आंसर आना शुरू हो चुके हैं, हाँ, और जबकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम मल्टीप्लाई करके अगर इस चीज को करें तो शायद ये हमारी बात बन के आ जाएगी। अब सब लोग देख लो क्या बनेगा, मैंने हिंट कर दिया है मल्टीप्लाई करने से ये चीज बन सकती है। बताइए। यस बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है ये भी तो एक मुद्दे वाली बात आती है। आपने कहा सब लोग देखो 440, हाँ सब लोग अलग अलग बताना शुरू कर चुके हैं। हाँ बेटा पल्लवी देखते हैं, देखो आपने कहा सर इसका अगर हम 9 गुना कर दें तो देखो 9 5 45 का 5 फिर 4 हासिल लग गया और 9 4 36 4 40। चलो ये 45 में अगर हमने 9 से भाग गुणा किया तो हमारा बन गया 405। अब यहां पर देखो ये तो आंखों ही आंखों में हो गया था, चलो मान लिया। यहां पर एक बात और बताओ, चलो आप लोगों ने जितने लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, यहां 9। अब यहां देखो ये तो चलो बन गया, अब यहां पर 20 चौके 80 हो रहा है, फिर 20 चौके कितना हो रहा है 80 हो रहा है। तो अब यहां पर पहली चीज तो ये मुद्दा आता है कि फिर ये वाली बात 4 से गुणा क्यों हुई, बताइए बताइए बेटा। अभिषेक आप ले सकते हो बेटा, मैंने बताया एसएससी अड्डा मतलब अड्डा 24/7 पे चले जाओ, Y461S कोड लगा करके आप टेस्ट सीरीज ले लो, आप टेस्ट सीरीज ले लो सीजीएल की, ठीक है ये कोड यूज कर। चलिए अब यहां पर आ जाओ जल्दी जल्दी बताओ यहां पर जी। अब आ जाओ यहां, तो यहां पर आपने देखा 9 से गुणा, यहां आपने देखा 4 से गुणा। अब यहां पर हमारे पास 85 है, अगर मैं इसको 85 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 9 5 45 का 5 हो जाएगा, 9 5 45 का 5 हो जाएगा, हाँ 5 और फिर 4 हासिल लग गया, देख लो 9 5 45 का 5 फिर 4 हासिल लग गया। उसके बाद देखो 9 8 72 और 4 76, इससे तो बात बनेगी नहीं, इसका मतलब इस पे बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है जो कि कितना है आपका, हाँ 13। अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ तो देखो 5, हाँ डन है, तो 1445 क्या ऐसे बनेगा बताइए, 1445 क्या इस तरीके से बनेगा बताइए। चलो अब देखो यहां पर मैं बताऊं तो इससे हमारी बात इस तरीके से बनाना हमारे लिए ये इसलिए गड़बड़ होगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं दे रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये हो गया बेटा कि इन नंबर्स का हम स्क्वायर निकालें, जैसे हाँ
और उसके बाद जैसे 45 गुणे 45 हो गया, 20 गुणे 20 हो गया, और फिर 85 गुणे 85 हो गया, सबका गुणा करो। अब लेकिन स्क्वायर निकालने से अच्छा अगर मैं इन सबको 5 से भाग कर दूं, देखो 5 नवा 45, ये देखो आ गया आपका 400, बटे 5, 5 चौके 20, तो ये देखो आ गया आपका। फिर यहां पर 5 से भाग कर देंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा बेटा, 17 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1445, 517 से आना था ना कि 13। तो आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब बोलो ये है, हाँ बेटा हाँ मिस्टर, वो 17 से मल्टीप्लाई होगा ना कि 13 से, 13 इज द रॉन्ग, 17 विल बी द फाइनल। बताओ अब समझ में आया, लॉजिक ये था, फुल प्रॉपर लॉजिक ये था। देखो आप लोगों ने ये तो बोल दिया कि सर इसका मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, बट आप प्रॉपर लॉजिक तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर लॉजिक था, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन। चलो अगला, अब आओ आप लोग की दुविधा वाला प्रश्न आ चुका है, दैट इज सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। जूम कर देता हूं थोड़ा सा, दुविधा वाला प्रश्न, आप लोग को दुखी करने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, बहुत आसानी से बना सकते हो, बस ध्यान देना है आपको वही जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है। जैसे देखो ये एरो यहां था, यहां के बाद ये एरो कहाँ पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है, तो पहले के बाद दूसरे में क्रॉस हुआ, तीसरे में अंदर आया, फिर इधर घूमा, चौथे में यहाँ पर आया, फिर पांचवें में वहां पहुंचा। अब एरो कहाँ आएगा वो देख लो, एरो अब अंदर ही रहेगा, ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है। जब ये वाली बात क्लियर है, इधर देखो रोटेशन देखो, यहां से एरो यहां गया, ठीक है, तो ऐसे सब में यही चीज होने वाली है और सब में यही चीज धीरे धीरे हो रही होगी। देखो वी यहां से उठ के यहां चला गया, क्यू यहां से उठ के यहां चला गया, फिर वी यहां से उठ के यहां चला गया, तो डी यहां से उठ के यहां चला आएगा, इस जगह पे डी आएगा, यहां आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां भी आ रहा है नहीं, ये लो ए आंसर आ गया। पॉइंट समझ गए, देखो ये एरो यहां से उठ के यहां जा रहा था, ये वी यहां से उठ के यहां जा रहा था, ये क्यू यहां से उठ के यहां, ये वी यहां से उठ के यहां, तो ये डी यहां से उठ के यहां, और यहां ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, आप लोग का आंसर ए वाला आ जाएगा, आपका आंसर ए वाला निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस मैंने अब तक आप लोग को करा दी है कि अब पेपर में नहीं छूटना चाहिए बेटा, अब पेपर में छूटना नहीं चाहिए, अब पेपर में छूटना नहीं चाहिए, जल्दी से बताइए बताइए बताइए। अब ये देखो यहां तो ये गलत है, ये गलत, ये सही, ये काट। अब इन दोनों में से अब के है ना, के यहां है, इस वाले में नहीं है, तो आप लोग का फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी द फाइनल आंसर मेरे से, ऑप्शन नंबर बी विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सभी लोग को, बताओ जल्दी जल्दी, यहां तक क्लियर है, अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, लास्ट वाला जो बेहतरीन सा क्वेश्चन था सीरीज और उससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें आप लोग गलत गलत कोई लॉजिक दे ही नहीं रहा था, सब लोग कह रहे थे इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे, हाँ वहां 13 से मल्टीप्लाई करने को भी कई लोग कह रहे थे, बट 13 से मल्टीप्लाई करना गलत था, तो आप लोग का फाइनल आंसर जो है वो 17 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अरे वाह, एक और क्वेश्चन आ गया, निकालो निकालो मेरे सेनो निकालो, निकालिए जल्दी जल्दी बेटा, कुछ दिक्कत आ गई है बेटा, शिंकू अभी सही हो जाएगा। हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताइए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेटा, लास्ट में कराऊंगा। ए श्योर है, पक्का सोच लीजिए, दोबारा मौका नहीं दूंगा। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग बीच में देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा लोग का जो मोटिव होता है वो हमेशा बीच की चीजों को पहले हम क्लियर करते हैं। देखो एल यहां था, फिर एल यहां आया, फिर एल यहां गया, मतलब इधर इधर घूम रहा है, फिर एल यहां आया, अब एल कहां आएगा,
सेकेंड वाली प्लेस, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब तीन ऑप्शन एल से हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हुए। अब देखो ट्रायंगल मत चेक करना क्योंकि ट्रायंगल तीनों में कॉमन है। अब हम किसको चेक कर लें बेटा, दिल को चेक कर लेते हैं क्योंकि दिल गलती कर बैठता है ना आप लोगों का। दिल देखो यहाँ था, इसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से इस कोने आ गया, फिर इसके बाद एंटर कर गया। इसमें जाने के बाद अब जो दिल है वो शिफ्ट करेगा, तो मेरे ख्याल से दिल अब आपका यहाँ आ जाना चाहिए। अगर शिफ्टिंग जिस हिसाब से चल रही है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, अब यहाँ, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दिल यहाँ पे बना है और यहाँ और किसी में नहीं बना है। देखो यहाँ बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ का रोटेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये काट दो। अब बची बात ये दिल की, ये वाली खत्म ही है और यहाँ भी आ नहीं सकता। तो आप लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, सी होगा या डी? एक सेकंड रुक जाओ, नहीं नहीं सी या डी में से कोई हो सकता है, दिल अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। या तो सी बन सकता है, देखो दिल इस कोने से इस कोने भी जा सकता है और सेकंड भी आ सकता है, तो डी और एल अभी रोक लो, दिल और एल। अब हमें कोई एक और चीज देखनी होगी क्योंकि हमारा ये तो क्लियर हो गया। बी और एट और देख लेते हैं, बी या एट में से कोई। तो देखो अगर हम बी को देखें, बी यहाँ था, इसके बाद बी ऊपर एंटर कर गया, यहाँ पर देखो बी इस जगह से बाहर आया, फिर ऊपर यहाँ पर बी वापस दिख रहा है, फिर बी नीचे आया, अब फिर बी ऊपर आएगा ना, यहाँ पर देखो इधर बी ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो बी यहाँ है नहीं है ना, काट दो। आप लोगों का फाइनल आंसर सी आ रहा है। और यही क्वेश्चन आप गलत करके आओगे पेपर में, मैं बता दूं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, पहले आप मिडिल वाली चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर लिया करो। और आप मुझे खुद बता दो, जितने लोग पढ़ रहे हो, क्या आप लोग को कोई ये सीरीज वाले क्वेश्चन बता रहा है? नहीं बता रहा है। और मैं लिख के दे रहा हूं, आपके पेपर में दो क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और ये मैं आप लोग को रिसेंटली 22 नवंबर 2023 के दिल्ली पुलिस का पेपर बता रहा हूं, इसीलिए। आहा क्या बात है, कितने ट्रायंगल्स हैं, कितनी बढ़िया सी इमेज दी है, ऐसे लग रहा है डांस वांस करने के। त्रिभुज बताइए कितने हैं, अच्छा मानसी आप सही थी, हाँ पल्लवी ठीक है, देख लो बेटा, इसीलिए बता रहा हूं, आप लोग इस क्लास को अपने सारे दोस्तों को बता दो, बता दो ये क्लास ऐसी है जो इतना अपडेट लेकर आपको चल रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यस क्या रहा है, आठ, चलो मेजॉरिटी ने कमेंट करना शुरू कर दिया, आठ 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 लगा दो, या नौ दस किसी का भी हो तो बता दो। ऐसे लग रहा है कि तुम लोग आ गए हो, तुम लोग की फोटो बना दी गई है, बचपन में तुम लोग ऐसे ही ड्राइंग बनाते रहे होगे ना, और इसमें खूब कलर वलर भर के बड़े खुश होते थे कि वाह मैंने क्या ड्राइंग बनाई है आज, आज सब लोग मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। अच्छा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट ये है कि आज आप लोग शेयर करो इसे, इस क्लास को हम लोग 1000 क्रॉस करते हैं, काफी सारे छात्र यहाँ पर हैं, अगर आप लोग एक एक बच्चे को भी शेयर कर लेंगे, एक एक बच्चा भी आपको जोड़ लेंगे, तो ये क्लास और बड़ी बन जाएगी। सब लोग मिलकर के सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो क्योंकि इतने सारे स्पीड में हम लोग चीजों को कर रहे हैं। चलो देखो सब कुछ बनाया बेटा, नाक है, आंखें हैं, छुट्टिया है तुम लोग की दो ठो, चलो यहाँ पर देखते इसको, इससे कॉम्बिनेट करो तो एक और दो यहां से कितने बन जाएंगे, तीन, तीन बन गया। उसके बाद देखो दो यहां से हैं, दो यहां से हैं, चार और तीन सात, और एक ये बन गया आपका आठ, चार तीन सात और एक आठ। इसके अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं है कहीं पर भी नहीं, ये सब गोल है, गोल है, गोल है, कुछ नहीं है। तो आप लोग का फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आठ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आठ। इसको बनाओ, अच्छा बहुत सोच समझ के इसकी इमेज पे ध्यान देना बेटा, हाँ जल्दी जल्दी निकाल करके बता दो इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा मेरे दोस्तों, हाँ जल्दी जल्दी। और सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है, लास्ट में कराऊंगा,
सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है, लास्ट में कराऊंगा। अब बताओ। चलो बहुत सही, क्या बात है। टंगिया में दो नहीं, वो सिक्किल है बेटा, उसके पैर बहुत कुशनी हैं। बढ़िया से चलो देखो, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया जाए। देखो हाँ क्या आएगा, सी 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 सी। देखो बेटा नॉन वर्बल लिसनिंग से आप ये मान चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपका सीरीज ही ज्यादा आएगा, इस बात की गारंटी है। सीरीज ही आपके पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी। चलो देखा जाए अब। हाँ देखो, ये इमेज उल्टा यहाँ आ रहा है, ये इमेज उल्टा यहाँ आ रहा है, ये इमेज उल्टा यहाँ आ रहा है, ये इमेज उल्टा यहाँ है। यहाँ आने का मतलब है ऐसा, इस पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। आप लोग का आंसर सी बन जाएगा, केवल इतने को देख कर। अब ये वही समझ सकता है जो रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूं अपने आप को अगर बढ़िया अच्छे लेवल पे तैयार करना है तो रेगुलरिटी इस क्लास से आपको मेंटेन करनी पड़ेगी बेटा। रेगुलरिटी आपको इस क्लास से मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि अपने आप का आप लेवल बढ़ा सको। छोटे छोटे क्वेश्चन करके खुश होके पेपर में नहीं होता कुछ, पेपर ऐसे ही दुखी करता है। कुछ क्वेश्चन देख लो ऐसे हैं जिसपे आपको लगेगा कितना ही समय आपका खराब हो गया होगा, लेकिन मैं आपको अप्रोच सिखा दे रहा हूं और आप बढ़िया से पेपर बना सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, चलो जल्दी से बताओ। हाँ धोनी बेटा, चलो जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। डी पक्का, सिलॉक्स डी। चलो देखते हैं, बोला है सारे स्टूडेंट क्या है, टीचर है, सारे स्टूडेंट को टीचर बना दो, और कोई टीचर जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। पहला बोला है कोई प्रिंसिपल स्टूडेंट नहीं, चलो बोला है कोई भी प्रिंसिपल स्टूडेंट नहीं, कोई प्रिंसिपल स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, और सारे टीचर स्टूडेंट, सारे टीचर स्टूडेंट है, ये गलत है। आपका आंसर ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, केवल पहला सत्य है, ये आप लोग का आंसर है। केवल पहला परम सत्य उत्तर आ रहा है आप लोगों का, और ये परफेक्ट आंसर आ चुका है। हाँ चलो अगला। हाँ कोडिंग नहीं, कोडिंग बताइए। RADICAL रेडिकल, इसको बोला है BBDEJM और S। जल्दी से निकालो मेरे शेरों, जल्दी जल्दी निकाल करके बता दो इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी निकाल करके बता दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। हाँ हाँ बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है सर 18 नंबर। हाँ इसमें 10 कैसे होगा बेटा, ये देखो दो ट्रायंगल यहाँ पर हैं, एक ये वाला अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, दो यहाँ पर हैं, 4, एक ये बन गया 5, और यहाँ से 3, 8। और बेटा कहीं भी ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है बेटा, ये ऐसे कर्व है, ट्रायंगल नहीं बना है। ठीक है देखो, आप लोग का कष्ट दूर भी करते रहना चाहिए, नहीं तो पता चला पेट दर्द करने लग गया तो। यस चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ए बी 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 बी। अगर हम इसको कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें तो शायद हमारी बात बन सकती है। देखो कैसे, ए फिर हमारा ए ए ए, फिर सी, फिर डी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एल, और उसके बाद ये रहा। तो 1+1 B, ये प्लस वन, ये प्लस वन, और ये प्लस वन। मतलब आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है
उसको बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो वी आई आर टी यू ए एल वर्चुअल, इसको देखो, इसको अगर हम अरेंज करें देखो तो ये ए है, उसके बाद बी नहीं होगा, हाँ बी है ही नहीं यहाँ पर, उसके बाद आप लोग का आएगा आई थिंक आई ए आई, आई के बाद क्या आएगा एल आएगा, एल के बाद क्या आएगा आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा टी आएगा, टी के बाद आएगा यू और फिर वी, और प्लस वन कर दो तो ए में प्लस वन करोगे बी आएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो ए में प्लस वन कर दोगे बी आ जाएगा, आई में प्लस वन कर दोगे जे आ जाएगा, बी जे इसमें भी नहीं है इसमें है खाली, तो आप लोग का आंसर सी वाला आ रहा है। बताओ क्या आप लोगों का आंसर सी आ रहा है, डी कैसे आएगा? हाँ श्याम दास बेटा डी कैसे आएगा आपसे मुझे जानना है, समझ गए? तो प्लस दिस वन उसके बाद एल में प्लस वन कर दोगे एम आ जाएगा, फिर एस फिर यू फिर डी और फिर डब्ल्यू, क्योंकि आर प्लस वन ये प्लस वन और प्लस वन, ऐसे चल रहा है आप लोग का आंसर। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, इमेज का, मिरर इमेज का क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलो आ जाओ यहां पर देखो, इसको पलटो टी एम, यहां पर देखो एम गड़बड़ है, एम एम एम, फिर यहां आ जाओ दिस वन ये पी है, और इसे अगर हम पलटेंगे तो ये इस टाइप से ऐसे बने, यहां पर तो बिल्कुल ही गलत है, दिस दिस फाइव, अब जैसा है वैसे तो बनेगा नहीं, बाकी डी और सी की बात करें तो डी और सी में कोई दिक्कत नहीं, फाइव ही डिसाइड करेगा, जब हम इसे यहाँ पर देखें तो ये पलट जाएगा ऐसे, तो दिस 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 आई थिंक ये बनेगा सी, ये गलत है, आपका आंसर सी आ जाएगा। बताओ सी बिल्कुल क्लियर है, चलो अगला निकालिए कंप्लीट द फिगर। डी आएगा पक्का, सोच लो, चलो देखो, देखो यहां पर ये तो क्लियर है कि ऐसा सीधी सी लाइन और ऐसा, इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन है काट दो, बाकी तीनों में ठीक है। अब उसके बाद अंदर यहां फूल नहीं बना, ये भी काट दो, अब इन दोनों में से। अब यहां पर देखो तो ध्यान से, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जिससे आप लोग को दिख, यहाँ पर देखो एक अंदर लाइन है और एक बाहर यानी डबल लाइन, यहाँ केवल एक बार कलर्ड कर दिया है, यहाँ डबल लाइन आ रही है, मतलब डी वाला फाइनल है, डबल लाइन आने का सेंस ये है, ये देखो डबल लाइन आने का मतलब ये है, जैसे ये एक लाइन आ रही है ऐसे और एक ये डबल, वैसे यहाँ पर एक ये अंदर वाली लाइन थी फिर ये डबल, तो आपका डी आंसर परफेक्ट है। चलो इसको निकाल करके बताइए, अभी सिटिंग का क्वेश्चन भी बाकी है बेटा, समझ गए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी करके जाना है। और बेटा देखो अब मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग को पता है कि 20 फरवरी से आप लोग के एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट है, एसएससी जीडी के क्या है
एग्जाम जो है वो स्टार्ट है, एग्जाम जो है वो क्या है स्टार्ट है, एग्जाम जो है वो स्टार्ट है। तो आपको बस सिंपली एक काम कर लेना है, क्या करना है आप लोग को, Y461S कोड लगा करके, कूपन कोड लगा करके आपको एक काम कर लेना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। क्या लगा लेना है बेटा, टेस्ट सीरीज ले लेना है, और टेस्ट सीरीज लेकर बेटा अब तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब रोज प्रैक्टिस करने के करके अपने टाइम मैनेजमेंट और स्पीड को बढ़ाने पे काम करो, ठीक है। चलो यहाँ जाओ, जी जी सीधा नहीं बनेगा काट दो, सीधा नहीं बनेगा काट दो, दिस दिस सी सी। अब ये देखो सात उल्टा थोड़ी ना होगा, तो आप लोग का आंसर अगेन क्या आ गया, डी आ गया, अगेन क्या आ गया है, डी आ गया। चलो नेक्स्ट, जल्दी से निकालो और बताओ। चलो देखो, इसको अप से डाउन, इसको नीचे से ऊपर। अब इसको ओपन करोगे तो एक गोला, दो गोला, तीन गोला, इसको पलटो, एक ट्रायंगल और ये रहा दो ट्रायंगल। यहाँ देखो दोनों ट्रायंगल ऊपर हो गए, ये गलत है, यहाँ ठीक लग रहा है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बन के आ रहा है। क्लियर है सभी लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ एक सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, असल में वो सबसे पहला ही क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने क्या किया था, स्किप किया था बेटा, स्किप कर रखा था, ठीक है। ये रहा सेटिंग अरेंजमेंट, अंग्रेजी वालों देख के रोक लेना और करना, हिंदी में चले। क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है ना, निकालिए और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा मेरे शेरों, जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा बेटा। अगर आप लोग एसएससी जीडी का महापैक भी ले लेते हो, एसएससी जीडी के महापैक में आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एसएससी जीडी महापैक में मात्र 880 रुपए में, मात्र 760 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। चलो इसको देखते हैं क्या है इसका आंसर। बोला है आपसे सात दोस्त हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। बोला है आपसे डी ई के ठीक बाईं ओर लेकिन सी के ठीक दाईं ओर खड़ा है। अब डी जो है, अब इसको देखना है कैसे बने, डी जो है वो ई के ठीक बाईं ओर, तो ई का बायां इधर ही होगा डी, हाँ लेकिन, लेकिन बोले तो कौन सा पर्सन, पहला पर्सन बोले तो डी, सी के ठीक दाईं ओर है, डी जो है वो सी के ठीक दाईं, मतलब सी डी ई ऐसे आएगा जहां भी आए, ठीक है। हाँ डन, आगे बढ़ो। आगे बोला है आपसे बी ए के ठीक दाईं ओर, बी जो है वो ए के ठीक दाईं ओर, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बी, और बोले तो ए बी बी, और बोले तो पहला पर्सन बी, सी के ठीक बाईं ओर, सी के ठीक बाईं ओर कौन है, सी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठेगा, बी, तो ये रहा बी और ये रहा ए, तो पांच लोग तो हमारे बैठ गए। इसी प्रकार एफ जी के ठीक बाईं ओर खड़ा है जो सबसे दाहिनी छोर पर है, अब जो होता है वो सेकंड पर्सन यानी जी, जी जो है वो सबसे दाईं छोर पर है, जी सबसे दाईं छोर पर है और एफ जो है उसके ठीक बाईं ओर खड़ा है ऐसे। अब बाकी ये ए बी सी डी और ई, ए लो भाई साहब, तो आपसे पूछा है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा कौन है, बाएं से तीसरा आपका डी यानी सी होगा। लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, देख लो पूरा ए बी सी डी ई एफ जी लाइन से लगवा दिया, ऐसा क्वेश्चन आपने आज तक नहीं करा होगा जिसमें पूरा सिक्वेंस लाइन से बन जाए यहाँ पर, समझ गए। चलो मजा आया सब लोगों को, तो इस तरीके से बेटा आप लोग सारे क्वेश्चंस बना पाए 25 के 25 बेहतरीन स्पीड में हम लोगों ने चीजों को किया है। अगर बेटा आप लोग डी ट्रिपल एस एस बी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी जीडी कांस्टेबल जो है, अब आप उसका बेटा टेस्ट सीरीज ले लो, ये कूपन कोड लगा करके आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेनी है बेटा, तैयारी करना शुरू कर दो, एग्जाम डेट अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, समझ गए। जितने भी हमारे मेधावी बैच के छात्र हैं या जितने भी हमारे
यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग Y461 कोड लगा करके मेधावी वैसे तुरंत जाकर के जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। और DSSSB 9 जनवरी से फॉर्म क्या होगा, स्टार्ट होगा, और जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो आप सभी लोग को इससे जुड़ना है और तैयारी करना है मेरे साथ मिलकर के। ठीक है मेरे दोस्तों, होप सो आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, आप लोग को ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हाँ रीजनिंग वेबिनार सेल में मिल जाएगी, आप लोग जाइए PDF ले लीजिएगा। गूगल क्रोम पर जाइए और आप लोग को पता है आपको क्या करना है, यस गूगल क्रोम पर जाएंगे आपको Adda247 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो मेरे दोस्तों, ये देखो आपको ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है, ठीक है इस ऑल कोर्सेज पर जाइए। और आप लोग को पता है रेलवे में भर्ती की बात तेज हो रही है, थोड़ा सा RPF का एक छोटा नोटिस आया है, अगर आप रेलवे के भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बेटा, जैसे RPF की बात करें तो ये रहा RPF का बैच, अगर आप RPF के बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप उससे जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप रेलवे के महापैक को ले सकते हो जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अभी थोड़ा सा कुछ एरर हो रही है महापैक पर, अभी कुछ एरर चल रहा है बेटा ना, अगर हम यूपी पुलिस, और देखो अब आपके पास देखो SSC में बात करें तो CGL, CSIR, यूपी पुलिस कांस्टेबल, CHSL, UPSI, बिहार SSC इंटर लेवल, DSSSB, किसी भी बैच से जुड़ना हो Y461 इसी कूपन कोड का इस्तेमाल करके जुड़ना है, इसी कूपन कोड का इस्तेमाल करके जुड़ना है, ठीक है, और डबल वैलिडिटी अभी मिल जाएगी तो जाइए और जुड़ जाइए। और ऑफलाइन सब लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा, कल सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे, तो सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़िए, रात 10 बजे दो क्लासेस करते रहो मेरे साथ, आप लोग को जरूर मजा आने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत। ऑफलाइन कमेंट करके सब लोग इस सेशन के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।